साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों आज का वीडियो है बड़ा ही अति महत्वपूर्ण, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 के लिए और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 के लिए जो आवेदन करने हैं शाला दर्पण से, वो किस प्रकार से करने हैं और उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसके लिए क्या क्या डेटा आपके पास होना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सब साथी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। साथियों कक्षा 8 और 5 के आवेदन करने से पूर्व हमें कुछ जानकारी और कुछ डेटा अपने पास रखना है। सबसे पहले आप अपने शाला दर्पण के जो स्टूडेंट टैब है उसके अंदर विद्यार्थी का जो प्रपत्र 9 है उसको जरूर अपडेट कर दीजिए। जैसे आपके सामने ये विद्यार्थी टैब यानी स्टूडेंट टैब है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मिलेगा ऑप्शन विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9, इसको ओपन करके अपने विद्यालय का जो ऐसा रजिस्टर है उनसे शाला दर्पण के जो भी डेटा है उनको मिलान कर दीजिए। अगर वो सही है तो फिर आप आगे बढ़िए और एक ये तृतीय भाषा इसके लिए प्रपत्र 7A है, इसको भी ओपन करके एक बार चेक कर लीजिए, अगर अपडेट नहीं है तो इसको भी अपडेट कर दीजिए। अगर नाम और कोई मेल फीमेल या और कोई चीज़ है उसमें संशोधन करना है तो प्रपत्र 5 हैं, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और इस बार एक नया ऑप्शन शुरू हुआ है सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री, ये इंग्लिश मीडियम और महात्मा गांधी जो स्कूल्स हुई हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर हिंदी मीडियम ही दिखाएगा। जब आवेदन करोगे तब आपको यहाँ आके अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप पहले ही इस ऑप्शन को चेक कर लीजिए और आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग आप इसमें मीडियम अपडेट कर दीजिए ताकि आपको आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। इसके अलावा आपके पास विद्यार्थी का एक पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर, इसको आप जरूर स्कैन करके उसकी एक JPG के अंदर सभी स्टूडेंट के ध्यान ये रखना है कि फोटो की साइज और सिग्नेचर को 50 KB से अधिक नहीं होने देना है, नहीं तो फिर वो अपलोड नहीं होगा। अगर सही फॉर्मेट में और सही उसके साइज के अंदर है और सही रिजोल्यूशन के अंदर है तो वो फोटो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा शाला दर्पण पर आप आवेदन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है और आपने अपने शाला दर्पण से अपने विद्यालय के ऐसा रजिस्टर से सारा मैच कर लिया है डेटा, अब आप बिल्कुल रेडी हैं आप आवेदन करने के लिए। विद्यार्थी का किसी ने सही कहा है कि अगर आप किसी भी कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं तो उसकी पूरी तैयारी के साथ जाइए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। अब आप पूरी तरह से रेडी हैं, आपके पास सारा मसाला है, अब आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप शाला दर्पण का जो मेन पेज है इंटीग्रेटेड शाला दर्पण उसको ओपन कर दीजिए, यही है पेज। इसपे नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे आपको लिखा मिल जाएगा 8th बोर्ड, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ये पेज है कक्षा 8 और 5 के आवेदन करने का, जहाँ पर लॉगिन लिखा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक पेज खुलेगा। इस पेज के अंदर भी दो ऑप्शन हैं, ऑफिस लॉगिन, स्कूल एग्जाम, आपको स्कूल एग्जाम पे क्लिक करना है। जैसे ही स्कूल एग्जाम पे क्लिक किया इस प्रकार का इंटरफेस खुला, यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर लॉगिन लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे शाला दर्पण पे लॉगिन करते हैं वैसा का वैसा एक टूल बॉक्स खुलेगा, इसमें आपको अपनी स्कूल की ID, पासवर्ड और कैप्चा फिल करना है। जैसे आप इनको फिल करके लॉगिन करेंगे ये आपका पेज ओपन हो जाएगा, और जैसे ये पेज ओपन होगा इस लेफ्ट साइड की तरफ ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें नीचे वाला जो ऑप्शन है एग्जाम एक्टिविटी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8।
हम बोल चाल में या आम भाषा के अंदर पांचवी और आठवीं बोर्ड कह देते हैं। एक्चुअली में शिक्षा विभाग के अंदर पांचवी बोर्ड आठवीं बोर्ड है ही नहीं, उसके लिए नाम है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, ये कक्षा पांच के लिए यूज होता है, और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा ये यूज होता है कक्षा आठ के लिए। और 2023 का आवेदन पत्र लिखा है या क्लिक करोगे तो आपके सामने सीधे निर्देश खुल जाएंगे। ये निर्देश एक बार आपको अवश्य पढ़ना है, अगर निर्देश आपके सामने रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। इसमें वही निर्देश दिए हैं जो हमने पहले आपको बता दिया है कि सभी प्रविष्टियां करनी अनिवार्य है और विद्यार्थी विवरण सही होने पर ही आवेदन पत्र प्रिंट करना है, और तृतीय भाषा एक तो भरनी ही है, नहीं तो आवेदन होगा ही नहीं। इसके अंदर संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी और एक और लिखा है संस्कृत विशेष, ये उनके लिए है जो संस्कृत विद्यालय है उनके लिए लागू होगा, और कक्षा पांच में भी जो संस्कृत विद्यालय हैं उनके लिए संस्कृत, और जो मदरसे और अन्य विद्यालय है जो उर्दू माध्यम के हैं उनके लिए उर्दू सेलेक्ट करना है, और विद्यार्थी का फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है, और सभी विद्यार्थियों का विवरण विद्यालय अभिलेख से मिलान करना है। ये काम तो हमने पहले ही बता दिया, ये तो करना ही है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, नहीं तो क्या होता है हम ऐसे ही आवेदन कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि विद्यार्थी के नए में छोटा सा करेक्शन रह गया, वो रह गया, फिर बहुत बड़ा काम हो जाता है, कहाँ से तो आवेदन को आपको अनलॉक कराना पड़ता है, कई सारी दुविधाएं होती है और बाद में वो काम डबल काम हो जाता है, इसलिए अभी कर लो, बहुत कम समय में ये अपडेट हो जाएगा और काम फटाफट हो जाएगा आपका। इसके अलावा कक्षा सेक्शन व समेकित विद्यार्थी सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा, यानी जब आप लॉक करोगे तो ही आवेदन आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई दुविधा हो, समस्या हो तो दूरभाष नंबर भी दे रखे हैं और ईमेल आईडी भी दे रखी है, और आवेदन में चयन की जाने वाली तृतीय भाषा वांछित अनुसार प्रदर्शित नहीं होती है तो विद्यालय प्रोफाइल में समेकित विद्यार्थी के लिए आप तृतीय भाषा चयन कर सकते हैं, अभी आपको मैंने बता दिया है प्रपत्र 7A जो आपके विद्यार्थी यानी स्टूडेंट टैब के अंदर उपलब्ध मिलेगा शाला दर्पण के अंदर। एक महत्वपूर्ण जानकारी नीचे और लिख दी गई है, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा पांच और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा आठ 2023 के आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी से संबंधित किसी भी सूचना में अपेक्षित संशोधन के पश्चात विद्यार्थी के आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पूर्ण संपादित किया जाना अनिवार्य है। अगर आपने आवेदन कर दिया और उसके बाद आपको पता चला और अब आप वापस उस विद्यार्थी के कुछ भी संशोधन करने जा रहे हैं तो वापस पूरी प्रक्रिया अपनानी है, तब आपको व्यू टैब के अंदर संशोधित नजर आएगा, यही बात इस दो लाइन के अंदर लिखी हुई है, यानी पूरा प्रोसेस वापस अपनाना है, ऐसा नहीं कि आपने संशोधन कर दिया और वो यहाँ हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, आपको वापस पूरा प्रोसेस करना है, तब उस विद्यार्थी के विवरण के अंदर जो आपने संशोधन किया है वो यहाँ प्रदर्शित होगा। अब आपके सामने आवेदन अप्लाई करने के ऑप्शन आ चुके हैं, पहले आपको सेशन फिल करना है, उसके बाद आपको क्लास फिल करनी है, उसके बाद आपको सेक्शन फिल करना है, फिर गो बटन पे जाना है। जैसे गो बटन पे जाओगे आपके सामने आपके विद्यालय के जितने स्टूडेंट हैं उस क्लास के वो सारे प्रदर्शित हो जाएंगे, और उसके अलावा यहाँ पर चार प्रकार की एक्टिविटीज़ होगी, यानी पहले तो स्टूडेंट डेटा फिल होगा तब यहाँ पर आपके शो हो जाएगा, उसके अलावा स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट नंबर अगर है वो फिल किए हैं तो वो यहाँ शो हो जाएगा, फोटो अपलोड हुई है तो भी यहाँ आपको बता देगा, प्रदर्शित कर देगा कि फोटो अपलोड हो चुका है, और सिग्नेचर अपलोड हुआ है तो बता देगा, इसका मतलब यहाँ पर अगर सारे है तब ही आपका आवेदन पूर्ण रूप से फिल हुआ है, ये एक्टिविटीज यहाँ है। लेकिन आवेदन फिल कहाँ से करना है भैया, तो आवेदन फिल करने के लिए पीछे ऑप्शन है अप्लाई, जिस स्टूडेंट का आपको आवेदन करना है उसके पीछे एक्शन के अंदर अप्लाई लिखा है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे उस विद्यार्थी का संपूर्ण आवेदन फिल हो चुका है शाला दर्पण के डेटा के अनुसार, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये डेटा एक बार चेक करना
करना है और मीडियम चेक करना है, जैसे इस विद्यार्थी का मीडियम मेरे इंग्लिश आ रहा है। एक और करके दिखाता हूँ, दूसरा विद्यार्थी उसका इंग्लिश नहीं आएगा क्योंकि इसका तो मैंने कर दिया है। जैसे मैं ये दूसरा नंबर विद्यार्थी ले रहा हूँ, अब मैंने इसको क्लिक किया, तो इसके तो हिंदी आ रहा है, और जबकि हमारा महात्मा गांधी स्कूल और वो भी इंग्लिश मीडियम है, लेकिन इसका मीडियम तो यहाँ पर हिंदी लिखा। अब क्या करें? अभी मैंने आपको वो बताई प्रक्रिया, साला दर्पण का स्टूडेंट टैब के अंदर हमें जाना है। हम गए साला दर्पण के अंदर, साला दर्पण का जो विद्यार्थी स्टूडेंट टैब है इसके अंदर सेक्शन स्टूडेंट मीडियम एंट्री, ये आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको क्लास, उसके बाद में सेक्शन और उसके बाद में शो बटन, इस पे जाओगे। अब वो जो बच्चा था उसके आप नेम, ऐसे हमें पहले ही ये सब मीडियम कर लेना है, लेकिन मैं ये करके दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने इस विद्यार्थी को ओपन किया था, ये विद्यार्थी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इस विद्यार्थी को ओपन किया था और उसका वहाँ शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक्शन के अंदर एडिट में जाएंगे। एडिट किया, यहाँ पर सेक्शन आ गया, मीडियम इंग्लिश आ गया, क्योंकि हमने स्कूल प्रोफाइल के अंदर इंग्लिश कर रखा है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश शो हो गया। आपको केवल मात्र सेव बटन पर करना है। अगर स्कूल प्रोफाइल में नहीं किया है तो यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पर अगर हिंदी आ रहा है इंग्लिश नहीं आ रहा तो आपको वापस स्कूल प्रोफाइल के अंदर जाके इंग्लिश मीडियम कर देना है, तब जाके यहाँ इंग्लिश आ जाएगा और आपको सेव बटन पर सेव कर लेना है। जैसे ही सेव करोगे, अब अगर आप वहाँ जाते हो, हम आए वापस यहाँ पर और हमारा ये विद्यार्थी, इसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब जैसे ही करेंगे इसका आवेदन फिल हो चुका और इसके माध्यम भी इंग्लिश आ गया आपके सामने, देख लीजिए। अब आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, पहले रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड एकदम सही है, उसकी जन्मतिथि सही है, उसका जेंडर सही है, उसकी कैटेगरी सही है, सब कुछ सही है, तो कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो पेज आगे खुलेगा, सेकंड पेज के अंदर उसके CWSN, उसका रिलीजन, उसके BPL स्टेटस, उसकी तृतीय लैंग्वेज, उस विद्यार्थी का जो पता है वो आपने साला दर्पण पे जो फिल कर रखा है वो सब कुछ यहाँ आ चुका है, और विद्यार्थी और अभिभावक का जो मोबाइल नंबर है वो भी आ चुका है, अगर आपने प्रपत्र 9 के अंदर अपडेट कर रखा है तो। इतना होने के बाद आपको सेव बटन पर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, इसकी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होके आगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो अपलोड फोटो और दूसरा कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है उसके लिए ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सीधा यहाँ ले जाएगा चूज के लिए, आप यहाँ पर चूज कर लीजिए फोटो के लिए, जहाँ आपको अंदर आपका जहाँ फोटो पड़ी है वहाँ से फोटो ले लीजिए। फोटो लाकर जैसे ही ओपन करोगे वो फोटो यहाँ आ जाएगा, और उसको क्रॉप करके, ये दो बिंदियाँ हैं इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और कन्फर्म फोटो करोगे आवेदन के ऊपर उस विद्यार्थी का फोटो आ जाएगा, और साथ ही सिग्नेचर में जाओगे तो सिग्नेचर हो जाएगा। फिर ये टोटल दोनों होने के बाद फिर आपको जाना है गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट। अब आप दो काम कर चुके हैं, स्टूडेंट डेटा फिल कर दिया है तो यहाँ पर यस आ गया, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर आपने कर लिया अंदर तो यहाँ पर यस आ गया, फोटो उसका अपलोड नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर नो दिखा रहा है। जब आप फोटो अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर यस आ जाएगा, और सिग्नेचर होने पर वो भी यस आ जाएगा। अगर चारों में यस है तो फिर आपका आवेदन कंप्लीट रूप से फिल हो चुका है। ये सारे विद्यार्थियों के अपलोड करने हैं आपको, और इसी भांति कक्षा 5 के लिए भी अपलोड करना है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप अपने विद्यालय के कक्षा 5 और 8 के लिए आवेदन बड़ी आसानी से भर देंगे, फिल कर देंगे, और साला दर्पण के माध्यम से अपलोड आसानी से कर लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।